तूफान तो आ चुका है इस घर के अंदर, अब तो सैलाब आएगा। ऋषभ और प्रीता की जिंदगी को तहस नहस करके रख देगा। आज का दिन इनके लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है ना, पर मैं आज के दिन को इनके लिए सबसे बुरी यादों का दिन बना के रख दूंगा। स्पॉटलाइट तो मैंने मांगी नहीं थी, अब जब मिली गई है तो माइट एज वेल यूज इट। ऋषभ, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। Happy wedding anniversary. Thanks for coming. Busy? कैसे हो? So good to see you, bhai. How are you? बहुत अच्छी, आप कैसे हो? Very good. Hi. Hello, ji. So good to see you. कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, तेरा ही इंतजार कर रही थी। तू अकेले आया, अंजलि नहीं है? वेल, आपको तो पता है लड़कियां थोड़ा टाइम लेती तैयार होने में, मैं तैयार हो चुका था इसलिए मैं आ गया। वैसे ऋषभ यहाँ पर है और प्रीता नजर नहीं आ रही। ओ, लगता शायद प्रीता ने डिसाइड कर लिया है कि आज एनिवर्सरी के दिन वो तुम्हें डिवोर्स दे देगी। Sorry, it was a bad joke. You guys know by now, na? मैं bad jokes crack करता हूँ। मामा जी, शर्मा अंकल। अब राखी जी। मैं अभी आई। भाई, मैं आपके लिए refreshments भिजवाती हूँ and मेरी friends आई हैं, मैं उनको मिलके आती हूँ, ठीक है? So good to see you again. पहले तो कभी इतने रोमांटिक नहीं थे। मुझ में रही ना मेरी जगह, फैला है तू मेरी रूह तक, तुझ में ही मैं जीने लगा। खुशी
ना मेरा, तू ही तो है अब मेरा, तू जो नहीं कुछ भी नहीं, तू ही तो है सब मेरा। यारा तू मुझ में यूं ये स्टाइल अच्छा लग रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। कितनी प्रिटी लग रही है ना तुम? फाइनली मैंने तुम्हें इतना प्रिटी बना दिया। और इधर क्या देख रही हो? उधर देखो, शीशे में। कितनी प्रिटी लग रही हो? वैसे मुझे तो ये पहले वाला स्टाइल ही अच्छा लग रहा है। देखो, बिल्कुल भी नहीं, ये स्टाइल ज्यादा बेटर है। और देखो कितनी अच्छी लग रही है। Okay. How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? I'm sorry. सृष्टि, तुम कभी सीरियस नहीं हो सकती हो क्या? अभी हूँ ना सीरियस, तो बोलो ना क्या हुआ? हाँ, हुआ ये है कि मुझे अब रियलाइज हो गया कि तुम जैसी बीवी है ना पनौती है पनौती अपने हस्बैंड के लिए, और तुम मेरे समीर भाई के लिए पनौती ही हो। एक मिनट, इतना लेक्चर क्यों दे रही हो? भूल गई क्या उस दिन क्या किया था तुमने? ये रीना कैसी है? मुझे पता है तुम क्या छुपा रही हो, और तुम्हारा भाई समीर क्या छुपा रहा है? उसकी कोई है ना उसके ऑफिस में? उसकी फ्रेंड? ओह सॉरी, फ्रेंड नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड है, राइट? सृष्टि देखो, लास्ट आई चेक ना, इस घर के अंदर मजाक करना अलाउड है। जोक, यू नो जोक। मैंने मजाक किया था, झूठ बोला था, जोक किया था तुम्हारे साथ। झूठ तब बोला था या झूठ अब बोल रही हो तुम्हारे भाई को बचाने के लिए? सृष्टि कसम से मैंने रियलाइज कर लिया कि मैंने उस दिन जो मजाक किया था ना, तुम उसकी वजह से मेरे भाई पे डाउट कर रही हो। नानी जी ने मुझे आके बताया कि तूने ऐसा मजाक क्यों किया कृतिका, सृष्टि जो है ना सैमी पे डाउट कर रही है, इसलिए तुम्हें समझाने आए कि आई एम सॉरी, मैंने जो किया था। समझ नहीं आती तुम्हें? चलो गई की। एक्सक्यूज मी, हेलो, हेलो, सुनो 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 सुनो, बोलो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इन बातों में आ जाऊंगी? सृष्टि, आई एम लिटरली बेगिंग यू। देखो मुझे वाकई बुरा लग रहा है, मैंने उस दिन सिर्फ मजाक किया था, मैं बस तुम्हें ना परेशान कर रही थी सृष्टि, अब मेरी वजह से तुम मेरे भाई पे डाउट कर रही हो, मुझे गिल्टी फील हो रहा है, मत करो ना। करो ना, करो, गिल्टी फील करो, बनता है। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। अब तुमने इतना बड़ा कांड, इतना बड़ा एक्शन किया है, उसका रिएक्शन तो मुझसे निकलेगा ही ना। देखो दो बातें हैं कृतिका, अगर इस बात में कोई सच्चाई नहीं है तो कूल, आई एम ओके विद इट, तुम्हें उसकी कोई सजा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर इस बात में सच्चाई है कि समीर की जिंदगी में कोई और दूसरी लड़की है, और अगर ये बात तुम मुझसे छुपा रही हो ना, तो बेटा कर्मा नाम की भी कोई चीज होती है, तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी ना, भगवान जी सब देख रहे हैं तुम्हें। What is happening? कर क्या रहे हो तुम दोनों? घर में पार्टी चल रही है, रिमेम्बर? ये किस तरह का बिहेवियर है? नॉन क्लासी। इसका तो मुझे पता है इसमें कोई क्लास नहीं है, लेकिन तुम, What's wrong with you? इसकी तरह होती जा रही हो तुम।
एक बात कान खोल के सुन लो सृष्टि, आज मेरे बेटे की वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी है घर में। इस पार्टी में अगर किसी भी तरह का ड्रामा किया ना, या लड़ाई की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन बुआ जी, मैं तो लड़ाई, आई मीन मैं पार्टी में लड़ाई कहाँ करती हूँ? और ये बात आप अपनी बेटी से क्यों नहीं कहती हैं? Enough. इसको पूछे इसने क्या किया? इसके बताना अपनी मामा को कि तूने क्या किया और मैंने लड़ाई है मुझसे लड़ वाइट। ये क्या तरीका है वो? आप एक मिनट आएंगे मेरे साथ? बेटा, मैं जानती हूँ तुम क्या करना चाहते हो। मैं जब भी इस लड़की से कुछ कहती हूँ ना, तुम्हें गुस्सा आ जाता है। मुझे गुस्सा आपके ऊपर आ ही नहीं सकता करीना बुआ। मैं आपको बुआ जरूर बोलता हूँ, लेकिन मानता आपको अपनी माँ समान हो, और माँ पर आप गुस्सा कैसे कर सकते हैं? किन हक जता सकते हैं? और उस हक से मैं आपको कह रहा हूँ करीना बुआ, घर में खुशियाँ आई हैं, इसलिए प्लीज करीना बुआ, घर का माहौल खराब नहीं करते। बेटा, तुम समझ नहीं रहे हो, ये लड़की लड़की नहीं, वो सृष्टि है। आप उसको बहू कहिए, आप उसको बेटी कहिए, उसको भी अच्छा लगेगा, सुनने वालों को भी अच्छा लगेगा, और आपको भी अच्छा लगेगा। लड़की अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता आपके ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं। बेटा, आज तुम्हारे लिए ये पार्टी रखी गई है, तुम्हारा दिन है। आज तुम मुझसे जो भी कहोगे ना, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। सिर्फ एक बात कहूंगा, एक हग मिलेगा। आई लव यू करीना को। I love you too, बेटा। और लड़ना मत, ओके? अब भैया, प्रॉमिस, अब से अभी से नो मोर फाइटिंग विद सृष्टि मैं नहीं करूंगी, ठीक है? जी, मेरा भी प्रॉमिस, मैं तो वैसे भी नहीं लड़ाई नहीं करूंगी। हमारी सृष्टि कभी लड़ ही नहीं सकती। I love you, my beautiful ladies. Love you Enjoy too. Enjoy yourself. अर्जुन, तुम्हें किसी ने मैनर्स नहीं सिखाए? या तुम चाहते हो कि लोग आकर तुम्हें कहें कि तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें कोई संस्कार नहीं दिए? मेरी बात का जवाब दो, पूछ रही हूं तुमसे कुछ। जंगली शुरू से हो, ये जंगली जैसे हरकतें करने मत करो। तुम्हारे जो नाखून है ना, मेरे हाथों के अंदर घुस रहे हैं, शेरनियों की तरह उगा रखे। अच्छा, पहली बात तो ये कि ये मेरा बेडरूम है। मुझे पता है। तुम्हें कैसे पता है? कैसे पता है मतलब, तुम यहाँ पे रेडी हो रही थी ना, तो लोग जनरली अपने बेडरूम में ही रेडी होते हैं। कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और इसके लिए कोई डॉक्टर की डिग्री की भी जरूरत नहीं है। तुम्हें कभी किसी ने कहा है कि तुमसे बात करके बहुत बुरा लगता है? शुक्र है किसी ने तो तुम्हें सच बोला। और वो किसी ने तुम ही हो बाय द वे। तुम ऐसे इतनी कड़वी कड़वी बातें कैसे कर लेती हो, एकदम करेले की तरह। कभी ऐसा युवा देखा, करेले के हाथ में करेला? आई मीन, मुझे करेले के फायदे बता दी थी, दैट आई शुड नॉट ईट करेला, सेहत के लिए अच्छा होता है, राइट मिस करेली? आई मीन प्रीता। Shut up! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कड़वी करेली बुलाने की? मेरा मतलब ये नाम से मुझे तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मुझे किसी भी ऐसे नाम से बुलाओ। ऐसे नाम से वही लोग बुलाते हैं जो या तो दोस्त होते हैं या बहुत करीब। हम करीब नहीं, करीब नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। और तुम्हें बिल्कुल कोई मैनर्स भी नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पहले तो मेरे बेडरूम में आ गए, फिर मुझे सॉरी भी नहीं बोला। हाउ डे यू? तुमने मेरी साड़ी का स्टाइल कैसे चेंज किया? एग्जैक्टली, वो स्टाइल बहुत खराब था, इसे मैंने ठीक किया। देखो, अभी सही लग रहा है। अच्छा, अब सही लग रहा है? जी नहीं, अब सही लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इंप्रेस करने के लिए तैयार होती हूँ? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। Well, तुमने अभी तक सॉरी भी नहीं कहा है। सॉरी बोलो, चलो जल्दी। मुझे सॉरी बोलने की आदत नहीं है। मुझे सॉरी बोल के दो। सॉरी बोलो बिना बात के,
एक तो मुझे तुम्हारा समझ नहीं आता, तुम मुझसे इतना सॉरी क्यों बुलवाते हो? What do you mean? कि आदत नहीं है? जब गलती करते हैं तो सॉरी बोलते हैं, चाहे आदत हो या ना हो, तो सॉरी बोलो, सॉरी तो बोलना पड़ेगा। भाई साहब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? भूल गए? मैं भी इस पार्टी में इनवाइटेड हूँ, अभी तो मिला था तुमसे बाहर में। हाँ वो तो मैंने ही इनवाइट किया था, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर मेरे रूम में क्या कर रहे हो? हाँ वो मैं गलती से आ गया भाई, मैं सॉरी कह रहा था प्रीता से। सॉरी कब का? सॉरी बोला तो था, भूल गई, दोबारा नहीं बोलूंगा मैं। और प्रीता जी आप बहुत सुंदर लग रही हैं, बहुत बहुत सुंदर लग रही हैं। एक्चुअली सब लोग हमारे नीचे वेट कर रहे हैं तो चले। ज्यादा हो गया? लेट्स गो। एक सेकंड क्या कर रहे हैं? एक सेकंड, वो एक्चुअली मॉम भी ऐसा ही करती हैं, जब भी हम लोग अच्छे लगते हैं और हमारे बाहर जाने से पहले हमारी मॉम भी ऐसा ही करती हैं तो कितना अच्छा लगता है। आज मॉम ने नहीं किया तो मैंने कर दिया ताकि हमें किसी की नजर ना लगे। अर्जुन सब ठीक है? यू नीड एनीथिंग? वो पानी। चले जी। वैसे एक बात कहूं, आज आप एक्चुअली बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? नहीं वो मुझे लगा कि आप अर्जुन को देख के गुस्सा ना आ जाए आपको, पर आप नॉर्मल लग रही हैं तो आई एम गुड। क्या हुआ, आपने कुछ कहा नहीं? अभी तो आपने ही कहा कि मैं ठीक लग रही हूँ, मेरे चेहरे पे कोई गुस्सा वुस्सा नहीं है, तो मैं ठीक हूँ ना? ओ मैं तो फोन भुला रूम में, लेके आती हूँ। ऋषभ भैया वो अर्जुन यही है क्या? कुछ रिपोर्टर्स आए हैं, उसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। हाँ वो अंदर ही है। प्रीता जी आप अंदर अपना फोन लेने जा रही है ना, तो अर्जुन को बोल दीजिएगा कि नीचे मीडिया वेट करिए, तो जल्दी आ जाए। तू यहाँ पे क्या वेट कर रहा है? हमारी पार्टी और हम ही वहां नहीं है, सब लोग हमें पूछेंगे। चलो लगी। डोंट वरी तुम्हारी कड़वी जुबान पे इल्जाम नहीं लगाऊंगा। तुम इधर बैठो, इधर आओ, बैठो इधर। छोड़ के जाने वाले इतनी भी चोट नहीं लगी, इतना पता दे इश्क खुदा तो फिर है जुदा क्यों, इतना पता दे, इतना पता दे। जानबूझ के किया ना तुमने? एक मिनट ये क्या? एंटीसेप्टिक लेप है, तुम्हारी चोट पर लगाऊंगी, जल्दी ठीक हो जाओ। एक मिनट, इसमें जरूर तुमने वो हरी मिर्च, काली मिर्च या लाल मिर्च मिलाई हो ताकि मुझे और जलन, मेरा दर्द और बढ़ जाए। राहत खा दे यारे तू बना दे के गम की शाम ढले।